हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत और उनके निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। तो कल हम यानी पिछले जो वीडियो है उसमें हमने होम्स की सवानीय तरंग सिद्धांत का अध्ययन किया था और उसे आज आगे जारी रखेंगे। जो सिद्धांत है होम्स का वो हम आज आगे जारी रखेंगे और इसमें जो सवानीय तरंग है उसमें होम्स ने तीन अवस्थाएं बताई थी, उन तीनों अवस्थाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर जो होम्स है इसके जो सिद्धांत है इसकी आलोचना पढ़ेंगे। देखो, जो होम्स का जो सिद्धांत है उसमें होम्स ने तीन अवस्थाएं बताई थी, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। संवहन तरंगों की तीन अवस्थाएं बताई थी। देखो, प्रथम अवस्था में जैसे प्राथमिक रूप से तापीय ऊर्जा तरंगों के कारण भूपटल में भूसंधि का निर्माण होता है। जो तापीय ऊर्जा है उसके कारण भूसंधि का निर्माण होता है और इसमें निरंतर जो तलछट है या अवसाद है उनका निक्षेप होने लगता है और उनके निक्षेप होने से देखो तो निक्षेप है वो परतदार रूप में होता है और उसे अवसादीकरण भी कहते हैं। तो इसके कारण अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों का निर्माण होता है और इस समय जो ऊर्जा तरंग है वो तीव्र होती है। उनकी गति, जो ऊर्जा तरंगे होती है उनकी गति भी तीव्र होती है। तो इसके तो ये थी इसकी प्रथम अवस्था थी जिसमें भूसंधि का निर्माण होता है। अब होम्स की द्वितीय अवस्था देखते हैं। द्वितीय अवस्था में होम्स ने बताया कि जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी जो गति है वो सर्वाधिक हो जाती है। प्रथम अवस्था में तो जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी जो गति होती है वो तीव्र तो होती है, मगर द्वितीय अवस्था में जो ऊर्जा तरंगे हैं उनकी जो गति है वो सबसे अधिक तीव्र होती है और इसकी तीव्रता से इन ऊर्जा तरंगों की तीव्रता के कारण जो अवसाद है उसमें संपीड़न बल है वो प्रारंभ हो जाता है और संपीड़न बल के प्रारंभ होने से जो अवसाद है जो तलछट है उनमें क्या होता है, उनमें वलन की क्रिया होती है और वलन की क्रिया होने से पर्वत का निर्माण होता है। तो इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। तो द्वितीय देखो, प्रथम अवस्था में तो भूसंधि का निर्माण हुआ और जो द्वितीय अवस्था है उसमें पर्वत का निर्माण हुआ। फिर इसकी जो तृतीय अवस्था है वो तीसरी अवस्था में जो वलित पर्वत है उनकी जो ऊंचाई है उसमें कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है और चट्टानों के वलन के कारण संतुलन की अवस्था को वो प्राप्त होते हैं। यानी तृतीय अवस्था में संतुलन स्थापित हो जाता है क्योंकि जो ये तरंगे हैं ऊर्जा तरंगे तो इनका समापन हो जाता है। तो इनका जो सिद्धांत है जो संवहन तरंग पर सिद्धांत है, तृतीय अवस्था में जो संवहन तरंगे होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यह संतुलन की अवस्था होती है और इस समय ऊर्जा तरंगों की तीव्रता में क्रमशः कमी आने लगती है, ठीक है। तो और इस समय कहीं कहीं पर भूगर्भ का मेघमा ऊपर आने का प्रयास करता है। तो ये होम्स की तीन अवस्थाएं थी। इसके बाद हम होम्स की जो सिद्धांत है होम्स का इसकी आलोचना ही पढ़ेंगे। देखो, इसकी आलोचना भी की गई थी। जैसे एक विद्वान थे जे ई स्टीयर्स, होम्स के सिद्धांत की आलोचना
इसकी आलोचना में जो विद्वान है जे स्टीयर्स ने कहा कि हॉब्स ने जो सिद्धांत दिया है वो बहुत ही अधिक उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें ऐसे कारकों पे आधारित है जिनके बारे में बहुत कम ज्ञान है। अब जैसे हॉब्स ने कहा कि रेडियो एक्टिव तत्व है उनसे सोहन तरंगे निकलती है, तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर ये जो क्रियाएं होती है इनका मनुष्य को बहुत ही कम ज्ञान है, और तो इसलिए सिद्धांत में कई दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देखो दोष है, पहली कमी इसमें बताई गई थी जो उठते और गिरते स्तंभ की जो धारणा है, जो कल जैसे आपको बताया था जो आरोही तरंग है और जो अवरोही तरंग है इसमें जो उठते और गिरते स्तंभ की जो अवधारणा है होम्स की वो संदेहास्पद है। उस पर संदेह होता है कि इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है क्या। फिर से दूसरा बिंदु है आलोचना में कि जो सोहन तरंगे हैं पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है जिनके विषय में जानकारी कम है। अब जैसे शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो भूगर्भ के अंदर की जानकारी मनुष्य को बहुत कम है, और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है वो लगभग जो भूकंप पे आधारित जो जानकारी है वो ही सटीक मानी जाती है, और उसके अलावा जो भी जानकारी प्राप्त होती है चाहे वो ज्वालामुखी हो चाहे वो ताप दाब या कोई भी कारण हो, वो जो कारण है भूगर्भ को जाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। तो होम्स ने जो बताया था कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनके विषय में इतनी जानकारी अब प्राप्त नहीं है। फिर तीसरा बिंदु उसमें है कि क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद तथ्य है। जो क्रस्ट है क्रस्ट के नीचे जो समान तरंगे हैं वो क्षैतिज गति करती है, वो भी विद्वानों ने कहा वो भी संदेहास्पद है कि इसमें भी एक भ्रामक है, ये एक भ्रम सा लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती है। फिर चौथा बिंदु है आलोचना में कि रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर दशा वह एक भ्रामक समस्या है। रूपांतरण के द्वारा जो भारी पदार्थ है वो नीचे की ओर उनका दशा होता है, इस पे भी जो वैज्ञानिक है उन्होंने संदेह स्पष्ट किया था। और फिर अगला पांचवा बिंदु है आलोचना में कि इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही होगा। जो होम्स ने कहा था कि जो संवहन तरंगे हैं जो महाद्वीपों के नीचे जो संवहन तरंगे हैं उनका जो उत्पत्ति है वो एक निश्चित केंद्रों पर ही होता है। यदि इन केंद्रों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त है तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता है। अगर जो संवहन तरंगे हैं अगर उनके उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं हैं तो फिर जो संवहन तरंगे हैं उनका आविर्भाव प्रत्येक स्थान पे होना चाहिए, मगर ये नहीं होता है। और दूसरा जैसे संवहन तरंगे हैं जो क्षैतिज गति करती है और उसके बाद उसमें अपसरण होता है, अपसरण के कारण जो स्थल खंड है या महाद्वीपीय भाग है वो अलग हो जाता है और बीच में सागरीय भाग आ जाता है। जो कल बताया था आपको का अगर ये स्थिति होती है तो समस्त जो पृथ्वी है उसमें जो सागरीय भाग है वो सबसे अधिक हो जाएंगे, क्योंकि होम्स ने कहा था जैसे
महाद्वीपीय भाग है या स्थलखंड है, और ये भी महाद्वीपीय भाग है। इसने कहा कि जो सोमन तरंग है, उनमें अपसरण होता है, अलग अलग दिशाओं में वो चलती है। तो यहां जब यहां क्या है, यहां सागर सागर बनता है। तो विद्वान कह रहे हैं अगर यही स्थिति रही तो समस्त जो स्थलीय भाग है वो सागरीय क्षेत्रों में ही बट जाएगा, स्थल भाग अगर इस तरह से टूटता रहा तो। इसलिए ये जो सवंग तरंगों के जो विषय में ये भी एक गलत विवरण उपस्थित करता है। उसके बाद इस अगला बिंदु है इसमें, जैसे आरोही तरंगे हैं जो क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर की ओर भी चल सकती है। जो तरंगे हैं, आरोही तरंगे हैं जो क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में चलती है, विद्वान कहते हैं कि वो क्षैतिज रूप में ही क्यों चलती है, वो ऊर्ध्वाधर भी चल सकती है, चलकर ऊपर की ओर भी चल सकती है, वो मतलब कि हॉरिजेंटल ना चलकर वर्टिकल भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगे भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट से धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देगी, न कि तनाव द्वारा सागर का निर्माण करेगी। ये जो क्रियाएं हो रही है, जैसे अगर ये क्रिया होगी, ये देखो तनाव बल के कारण ये अपसरण होता है, देखो अपसरण है ये, ठीक है, तो ये तनाव बल के कारण होता है। तो विद्वान कहते हैं जब ये स्थिति होगी तो उस समय ज्वालामुखी क्रिया होगी, कि उस समय ज्वालामुखी क्रिया होगी, न कि तनाव के कारण एक सागरीय भाग का निर्माण होगा। तो इस तरीके से इसकी होम्स की जो सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई है विद्वानों के द्वारा। तो ये जो होम्स का सिद्धांत है तो ये समाप्त होता है, और इसमें इसमें जैसे कल बताया था होम्स का सिद्धांत है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो होम्स है, आर्थर होम्स है, इन्होंने 1928 और 28-29 में अपना संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया था। तो जो होम्स महोदय थे ये पृथ्वी पर जैसे पर्वतों जो जो भूपटल है इसकी आकृतियों की उत्पत्ति है, कि भूपटल पे जो आकृतियां बनी हैं उनकी उत्पत्ति की समस्या को समस्या के निराकरण के लिए ये सिद्धांत उन्होंने दिया था, और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो वर्गों में बांट दिया था। एक तो उन्होंने क्रस्ट के रूप में बांटा, और दूसरा उन्होंने अधिस्तर सब स्ट्रेटम, और जो सब स्ट्रेटम जो क्षेत्र होता है वो सेमी लिक्विड होता है, पूर्णतया तरल नहीं होता है, वो एकदम से सेमी लिक्विड होता है अधिस्तर। तो क्रस्ट और अधिस्तर सब स्ट्रेटम्स में बांटा था, और जो क्रस्ट की रचना होम्स महोदय ने बताई कि ये सियाल से बना है, और जो अधिस्तर है वो सीमा से बना हुआ है, और जो सियाल है वो महासागरों में नहीं पाई जाती है, और जो समन्वय तरंग की उत्पत्ति है, और जैसे समन्वय तरंग जो सिद्धांत है इनका समन्वय तरंग सिद्धांत है, और तो समन्वय तरंग इन्होंने कहा है कि जो समन्वय तरंगे हैं इनकी उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों से होती है। ठीक, जो सामान्य तरंगे हैं इनकी जो उत्पत्ति
रेडियो एक्टिव पदार्थों से होती है। और ये देखो पदार्थ पाए जाते हैं चट्टानों में, चट्टानों में ये पाए जाते हैं। और ये उष्मा जब अल्फा बीटा गामा है इस तरह से ये विकिरण है उसका उत्सर्जन करते हैं। तो हालांकि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनकी जो संख्या है वो धरातल पे अधिक है, मगर धरातल पे इनसे जो विकिरण है, विकिरण से जो उष्मा बनती है, देखो उष्मा का क्षय हो जाता है। तो जो धरातल पे होते हैं धरातल पे स्थित जो रेडियो एक्टिव तत्व है या पदार्थ है जो धरातल पर स्थित है उनका तो उष्मा का क्षय हो जाता है, उष्मा निकल जाती है या अंतरिक्ष में वो चली जाती है। मगर जो भूगर्भ में है, जो भूगर्भ में रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उनकी तो उष्मा वो निकल नहीं पाती है, उष्मा का उसमें क्या होता है संचय होता है, उष्मा का संचय होता है। अब देखो उष्मा का जब संचय होगा तो ये संचय यानी इकट्ठी होती है, इकट्ठी यानी उष्मा का मतलब ये गर्म है। तो ये देखो गर्म होकर ये फैलती है, तो फैलती है तो ये क्या करती है, ये जो पृथ्वी है तो पृथ्वी की जो पपड़ी है, पपड़ी पर क्या करती है ये धक्का लगाती है ऊपर आने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की यह सिद्धांत था होम्स का, गर्भ के अंदर जो सवन तरंगें उत्पन्न होकर चारों तरफ फैलती है और पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर इसकी दो स्थितियां होती है, ठीक है। एक स्थिति में आपको बताया था तो ये अपसरण वाली क्रिया है, अपसरण होता है। दूसरी जो स्थिति है उसमें अभिसरण की क्रिया होती है। तो यह समन्वय सिद्धांत था होम्स का। तो इसमें देखो सिद्धांत वो कारण कुछ भी हो लेकिन सबसे पहले भूसंधि का ही निर्माण होगा, उसके बाद भूसंधि का निर्माण होगा, फिर पर्वतों का निर्माण होगा, फिर पर्वत का विकास होगा। ये तीन अवस्थाएं सभी जगह चलेगी, चाहे सिद्धांत में भूसंधि किसी भी तरह से बन रही हो, चाहे समन्वय तरंगों से बन रही हो, या फिर आगे जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे जोली महोदय का, जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम जोली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है। मतलब सबसे पहले बनेगी तो भूसंधि की, फिर भूसंधि में निक्षेप या तलछट इकट्ठा होंगे, उनमें संपीड़न बल लगेगा, बल के कारण फिर जो तलछट है उसमें वलन होगा, वलन से पर्वत का निर्माण होगा। ये प्रोसेस लगातार चलता ही रहेगा, तो कारण कोई भी हो भूसंधि का निर्माण सबसे मतलब प्रक्रिया वही रहेगी, भूसंधि बनना फिर उसमें वलन होना, ये जो प्रक्रिया है ये समान ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो कल हम लेंगे जो जोली महोदय है इनका सिद्धांत लेंगे, इनके सिद्धांत है रेडियो एक्टिव, इनका सिद्धांत है जो कि तापीय चक्र सिद्धांत और
पृथ्वी के धरातल का इतिहास आदि नामों से जाना जाता है। तापीय चक्र सिद्धांत और ये पृथ्वी के धरातल का इतिहास, इनका सिद्धांत है, उपनाम दे रखा है इन नामों से भी, जो जोली मोदे है इनका सिद्धांत जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।